welcome back to our channel Reality 360 Degree. I am Jolly Yadav. And guys, आज मैं एक बार फिर से आपको लेकर आई हूँ दिव्यांश और एक हमारे प्रोजेक्ट पर. लास्ट टू लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पर आई थी तो मुझे याद है तब ये प्रोजेक्ट नियर टू पोजेशन सेगमेंट का था. उसके बाद जब मैं यहाँ पर आई तब ये रेडी टू मूव इन सेगमेंट का हो चुका था. बट यहाँ पर कोई भी रेसिडेंट शिफ्ट नहीं हुए थे. एंड आज जब मैं यहाँ पर 3 से 4 महीने के गैप के बाद आई हूँ तो यहाँ पर रेसिडेंट शिफ्ट हो चुके हैं, सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं, OPDs भी यहाँ पर ऑपरेशनल हो चुकी हैं. लास्ट टाइम यहाँ पर जो क्लब हाउस था वो अपने फिनिशिंग के लास्ट स्टेज पर था, बट आज क्लब हाउस भी ऑपरेशनल हो चुका है, लोग यहाँ पर शिफ्ट हो चुके हैं. प्रोजेक्ट के बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ जो व्यूअर्स इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता देती हूँ. दिव्यांश ऑनिक्स एक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है जो कि जयपुरिया सनराइज ग्रीन्स के अंदर लोकेटेड रहेगा. बैंगलोर NH24 प्रॉपर्टी रहेगी एंड यहाँ से आपको कनेक्टिविटी काफी ज्यादा अच्छी मिल जाती है. नोएडा, ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन एंड दिल्ली, सभी जगहों की आपको काफी इजी कनेक्टिविटी मिल जाती है. हार्डली आपके 15 से 20 मिनट के डिस्टेंस पर ये सारी जगह मौजूद रहेंगी. उसके बाद ये प्रॉपर्टी आपकी, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया, रेडी टू मूव इन सेगमेंट की रहेगी. 4 एकड़ की आपकी गेटेड सोसाइटी रहेगी जिसमें की सिर्फ 4 टावर्स रहेंगे. टावर हाइट की हम बात कर ले तो आपकी G+22 एंड G+23 की आपकी टावर हाइट रहेगी. एंड यहाँ पर आपको 2 BHK, 3 BHK एंड 4 BHK अपार्टमेंट्स में काफी सारे साइजेस मिल जाते हैं. मेजर इन्वेंट्रीज अभी यहाँ पर 2 BHKs में है, साइजेस आपके स्क्रीन पर मेंशन है. एंड उसके अलावा अगर मैं अमेनिटीज की बात करती हूँ तो आपको अमेनिटीज भी सारी ऑपरेशनल मिल जाती है. यहाँ पर आपके प्रोजेक्ट के अंदर आपको अराउंड 50% ओपन का ग्रीन एरिया मिल जाता है जिसमें कि आपको 2 यहाँ पे पार्क डेवलप करके दिए जा रहे हैं ऑन बोथ दी एंड्स. एंड उसके साथ साथ यहाँ पर अगर पार्किंग की भी हम बात करते हैं तो पार्किंग आपकी कम्प्लीटली बेसमेंट पे रहेगी. एंड 2 पार्क आपको यहाँ पर वैसे मिल रही है, उसके बाद यहाँ पर आपको एक कॉमन पार्क भी मिल रहा है तो वो भी यहाँ के रेसिडेंट्स यूज कर पाएंगे. क्लब हाउस आपको मिल ही जाता है, साथ ही साथ आउटडोर एरियाज में भी प्रॉपर ग्रीनरी है एंड काफी ज्यादा वेल मेंटेनेंस सोसाइटी है. सो गाइस, दैट वाज द लिटिल ओवरव्यू ऑफ दिस प्रोजेक्ट. अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ यहाँ का क्लब हाउस जिसमें मैं फिलहाल मौजूद भी हूँ. इसको हम पूरा टूर करते हैं, उसके बाद मैं आपको लेकर चलूंगी यहाँ के सैम्पल अपार्टमेंट में. एंड गाइस, दिस इज द क्लब हाउस ऑफ दिव्यांश ऑनिक्स. ये आपका ऑपरेशनल कंडीशन में है, क्लब हाउस पूरा रेडी हो चुका है. ये आपका 22,000 स्क्वायर फीट के एरिया में बना हुआ है. आपका 3 लेवल का क्लब हाउस रहेगा एंड दिस इज द वेटिंग एरिया और द रिसेप्शन एरिया ऑफ द क्लब हाउस. एंड इसीलिए हम ग्राउंड फ्लोर को और एक्सप्लोर करते हैं तो यहाँ से आपकी एंट्रेंस आ जाती है पूल एरिया की. यहाँ पर आपका स्विमिंग पूल रहेगा. This is the crash. यहाँ पर आप देख सकते हैं it's all ready. Enjoy. This is your fitness center. ये रहेगा आपका gymnasium. All the equipments are already here. And guys, अभी मैं आ चुकी हूँ क्लब हाउस के फर्स्ट फ्लोर पर एंड यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर क्या क्या चीजें आपको मिल जाती हैं. So guys, सबसे पहले यहाँ पर आपको मिल जाते हैं इंडोर गेम्स. यहाँ पर आपके कैरम्स बनेंगे प्लस सिटिंग एरिया रहेगा. क्लब हाउस एंड यहाँ पर रहेगा आपका कॉमन एरिया एंड इजिली 50 to 100 लोगों की गैदरिंग कर सकते हैं. आप देख सकते हैं लाइटिंग एंड एवरीथिंग is already in place. This clubhouse is just fabulous. And अभी मैं आ चुकी हूँ सैम्पल अपार्टमेंट के बाहर. ये रहेगी इसकी लॉबी एरिया. एक फ्लोर पर आपके 8 अपार्टमेंट्स आ जाते हैं 3 लिफ्ट्स के साथ. And here is the main access. जैसे ही आप इस अपार्टमेंट के अंदर आ जाते हैं, first let me tell you about the size. तो ये रहेगा आपका 1,080 square feet का 2 BHK सैंपल अपार्टमेंट. यहाँ पर अपार्टमेंट्स आपको रॉ कंडीशन में मिलेंगे एंड दिस इज द ड्रॉइंग और द लिविंग स्पेस ऑफ द अपार्टमेंट. एंड इसके बिल्कुल ही जॉइनिंग आ जाती है आपकी किचन. किचन की आपको सेम एज इट इज इसी कंडीशन में मिलेगी. साथ ही साथ किचन में आपको यूटिलिटी एरिया भी मिल जाता है. एंड ऑन दिस कॉर्नर आर द 2 बेडरूम्स.
And this is your bedroom number one, which is in a very good size, 3300 mm into 3750 mm ka size rahega. And is bedroom ke saath aapko ek private balcony bhi mil jati hai. And guys, here is the common washroom. जिससे कि आप बाहर के एरियाज एंड बेडरूम नंबर वन के साथ एक्सेस कर सकते हैं. वॉशरूम आपकी सेम एज इट इज रहेगी. एंड हियर इज द सेकंड बेडरूम ऑफ दिस अपार्टमेंट. यहाँ पर आपको वार्डरोब का स्पेस मिल जाता है. टाइलिंग आपकी प्रॉपर रहेगी. लाइट की आपको फिटिंग यहाँ पर मिल जाएगी. साथ ही साथ वहाँ पर आपका अटैच वॉशरूम रहेगा. सारी सैनिटरी फिटिंग्स आपको यहाँ पर प्रॉपरली मिलेंगी. उसके साथ साथ यहाँ पर आप देखिए तो ये रहेगा आपका बालकनी एरिया. बालकनी यहाँ पर आपको काफी स्पेशियस मिल रही है. इनफैक्ट यहाँ पर जितने भी अपार्टमेंट्स हैं वो सभी के सभी आपके फ्री साइड ओपन अपार्टमेंट्स रहेंगे. सो काफी ज्यादा आपको यहाँ पर प्रॉपरली वेंटिलेटेड अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं. एंड दैट वाज द सैंपल अपार्टमेंट गाइस. अगर मैं यहाँ के स्टार्टिंग प्राइस की बात करती हूँ तो दैट वुड बी अराउंड 63.54 लाख ओनली. सो गाइस, दैट वाज ऑल अबाउट आवर टुडेस प्रोजेक्ट दिव्यांश ऑनिक्स. आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा डू टेल अस इन द कमेंट बॉक्स. And guys, right now with me is Mr. Nikunj Tomar, who is from Divyansh Onyx team, and he will be telling us about the USPs of Divyansh Onyx. So all over to you. Thank you. So yeah guys, hi. First of all, if you talk about the location benefits or the benefits of the project, first of all, we are right sitting on the Delhi Meerut Expressway. It's hardly like 300 meter drive from the expressway. So you're going to get a good connectivity in terms of future perspective as well, right? Secondly, our construction quality is one of the best in class quality. We are offering MIBAN construction with the grading of M35 to M50 grading, right? Already other builders in the facade, no one is giving that much quality in this particular project or their segments. And if we come, if I tell you about the costing as well, our prices are somewhere around 5,500, 5,600 rupees per square foot. That's again on the lower side as compared to other builders, right? The market rate is somewhere around 7,000 rupees or 8,000 rupees per square foot. So if we talk about the appreciation as well, in the past, six months or so, our happy customers have already gotten around 800 rupees per square feet of appreciation. So like if you're planning to buy a house, so I guess Divyansh Onyx is one of the best options in terms of returns as well. Exactly guys. In fact, it is a ready to move in property. And जैसे कि निकुंज ने बताया कि अभी यहाँ पर जो कस्टमर्स जिन्होंने पहले ही यहाँ पर बुकिंग कर दी थी उनको अराउंड 800 रुपीस पर स्क्वायर फीट का अप्रिसिएशन ऑलरेडी मिल चुका है. एंड कमिंग ईयर लाइक विदिन अ ईयर अगर हम बात करते हैं तो एक साल के अंदर आप मिनिमम लाइक 1500 2000 रुपीस पर स्क्वायर फीट का एटलीस्ट appreciation like expect कर सकते हैं अब हमारे प्रोजेक्ट. Exactly. So अभी भी लेट नहीं हुए हैं आप लोग. अगर अभी भी आप प्लान कर रहे हैं Divyansh Onyx पर एक प्रॉपर्टी लेने का तो अभी भी लेट नहीं हुए हैं. अभी भी आप यहाँ पर आकर परचेज कर सकते हैं. अभी भी आपको एक अच्छी डील मिल जाएगी. अमेनिटीज यहाँ पर ऑलरेडी ऑपरेशनल है. सारी चीजें परफेक्ट है. लोकेशन इज एक्सलेंट. सो आई विल जस्ट से कि आप जितने जल्दी यहाँ पर आए, जितने जल्दी इस प्रोजेक्ट को आकर विजिट करें उतना आपके लिए बेहतर होगा. एंड दैट वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट टिल द एंड. एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल रियलिटी 360 डिग्री फॉर मोर सच वीडियोस. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय.